ओके हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे इन मुश्किल समूह में अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों चलिए तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करेंगे हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस ओके इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अभी तक हम थ्योरीज पढ़ चुके हैं उसके बाद हमने कुछ पिछला जो आपका लेक्चर था उसमें रीजंस देखेगी क्यों कोई ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है क्यों कोई वर्क या लेबर क्लास क्यों जो है ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है अब हम टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन पढ़ेंगे देखो मैं थोड़ा सा बैकवर्ड चल रहा हूँ जनरली क्या होता है पहले टाइप्स कराए जाते हैं पहले रीजंस कराए जाते हैं ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियन के फिर टाइप्स कराए जाते हैं और फिर आपको थ्योरीज कराई जाती है मैंने पहले आपको थ्योरीज कराई हैं ताकि एक आपके बेस में अंडरस्टैंडिंग बन जाए क्योंकि थ्योरीज के थ्रू हमें पता चल रही थी साइकोलॉजी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने हमें बताई कि ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है तो इसीलिए हमारे लिए रीजन समझना और टाइप्स समझना थोड़ा इजी हो जाता है तो टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन का पार्ट वन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इसमें दो पार्ट आपके रहेंगे एक आज हो जाएगा और एक आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो एज ऑलरेडी टोल टू यू ये आपका फर्स्ट टू सेवेंड जून का शेड्यूल चल रहा है आज है आपका डे थ्री दैट इज वेडनेस डे एंड इट इज थ्री थर्टी पी एम क्लास इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ बजे आपको साइंस की क्लास मिलेगी ठीक है जो शिल्पा मैम लेंगे काफी अच्छे कंसेप्ट उसमें कवर कराए जा रहे हैं और ईपीएफओ e में बहुत इंपॉर्टेंट इस बार माना जा रहा है कि 15 से 20 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं साइंस के ठीक है और सोशल सिक्योरिटी की क्लास होगी आपकी दस बजे अगेन जो मैं लूंगा आपसे तो दो बार मिलना होगा आज चलिए तो आज हमारे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे टाइप्स में तो एक होती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उसमें ये तीन कैटेगरीज आ जाती हैं रिफॉर्मिस्ट यूनियंस रेवोल्यूशनरी यूनियंस प्रिडेटरी यूनियंस इन तीनों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक बंदे की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जिसका नाम था हॉक्सी हॉक्सीज फंक्शनल क्लासिफिकेशन तो उसी से ले मिलता जुलता है ये तो इसमें तो कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा फटाफट ब्रीफली समझ लेंगे उसके बाद सेकंड आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न मेंबरशिप पैटर्न के हिसाब से किस तरह की टाइप्स होती हैं ट्रेड यूनियन की ऑक्यूपेशनल होती है इंडस्ट्रियल होती है जनरल होती है और ब्लू और व्हाइट कॉलर यूनियंस होती हैं ये सारी क्या होती हैं इनके बारे में भी हम समझने की कोशिश

तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में तीन टाइप्स आ जाते हैं फर्दर सब टाइप्स रिफॉर्मिस्ट यूनियंस रेवोल्यूशनरी यूनियंस प्रीडेटरी यूनियंस ऑल ऑफ दीज ऑलरेडी स्टडीड अंडर द हॉक्सी हॉक्सीज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ठीक है हॉक्सी की फंक्शनल क्लासिफिकेशन थी जो थ्योरी उसके अंडर हमने इनको पढ़ा था फिर भी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे तो रिफॉर्मिस्ट यूनियन हमने देखा था कि ये जो यूनियंस होती हैं ये इन ये काम करती हैं एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस इंप्रूव करने की वर्कर्स की लेकिन ये ये नहीं सोचती कि हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है यानी कि जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दें जैसे जो आपका मार्क्स की आइडियोलॉजी थी उसमें क्या कहा गया कि भाई कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को कंप्लीटली रिप्लेस कर दीजिए ठीक है चाहे उसके लिए आपको वॉइलेंट मीनस का इस्तेमाल करना पड़े पर रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या कहता है कि नहीं आप इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन वर्कर की इंप्रूव करने के लिए काम आपने लेकिन कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है आपने किसी भी जो प्रेजेंटली uh, जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीटली अपरूट नहीं करना है तो हॉक्सी ने इसको नाम दिया था बिजनेस यूनियनिज्म का या फिर फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म का ओके नेक्स्ट था आपका रेवोल्यूशनरी यूनियन अब रेवोल्यूशनरी यूनियन जो मार्क्स की आइडियोलॉजी से प्रेरित है अब इस यूनियन में कहा गया कि भैया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और एबॉलिश करना है एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर को ठीक है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर उसमें होना ही नहीं चाहिए यह था आपका रेवोल्यूशनरी यूनियन उसके बाद था आपका प्रीडेटरी यूनियंस प्रीडेटरी यूनियंस में क्या था कि भैया ये जो यूनियंस होती हैं ये किसी पर्टिकुलर इनकी कोई ना इनके कोई पर्टिकुलर मेथड्स होते ना इनकी कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती ठीक है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढालते हैं ठीक है हर सिचुएशन में इनका मेथड अलग होगा हर सिचुएशन में इनकी आइडियोलॉजी अलग होगी अब ये दो तरह की होती है प्रीडेटरी यूनियंस एक होती है होल्डअप यूनियन होल्डअप यूनियन में क्या होता है सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं होंगे उसमें इंप्लॉयर भी उसका पार्ट होते हैं ठीक है सिर्फ इंप्लॉयज नहीं होंगे होम्प्लॉयर भी उसका पार्ट होते हैं दोनों मिलकर ये पर्टिकुलर यूनियन बनाते हैं होल्ड अप यूनियन इसका भी कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं होता ये अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से बनाई जाती है इंप्लॉय जो है इसको ज्वाइन करेगा अपने बेनिफिट्स की वजह से अपने रीजन्स की वजह से अपने कंसर्न की वजह से और इम्प्लॉयर इसको ज्वाइन करेगा अपने रीजन और अपने कंसर्न की वजह से ठीक है ऐसा नहीं है कि इंप्लॉय इंप्लॉयर के बारे में कुछ सोच रहा है या इंप्लॉयर इंप्लॉय के बारे में कुछ अच्छा सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है सब सिर्फ अपने मतलब के लिए ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी इसमें कैटेगरी आ जाती है गोरेला यूनियंस की गोरेला यूनियंस वो यूनियंस होती हैं जिसमें जो इंप्लॉयी यूनियंस होती हैं स्पेसिफिकली और ये इंप्लॉयर्स के अगेंस्ट काम करती है ठीक है और इस पर्टिकुलर यूनियन का एक कोई बॉस होएगा ठीक है और कोई डेमोक्रेसी वाला सिस्टम नहीं होएगा एक लीडर होएगा जो सारे डिसीजंस इस पर्टिकुलर यूनियन के लिए लेगा। और ये जो गुरिला यूनियन होती है दे कैन आल्सो यूज वॉयेंट मेथड्स और सीक्रेट मेथड्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनका कोई भी फिक्स्ड मेथड नहीं होता कोई भी फिक्सड आइडियोलॉजी नहीं होती ये सिचुएशन के हिसाब से जो है अपने मेथड्स और आइडियोलॉजी को चेंज करते रहते हैं इसको भी हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं चलिए अब वेरी ब्रीफली अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न मेंबरशिप पैटर्न के हिसाब से उसमें अलग अलग ये आपके टाइप्स आ जाते हैं एक एक करके सबको ब्रीफली जल्दी से पढ़ लेंगे सबसे पहले आ जाता है आपका ऑक्यूपेशनल या क्राफ्ट यूनियन जिसको कहा जाता है अब ये जो ऑक्यूपेशनल या क्राफ्ट यूनियन है यहाँ से आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो यूनियन है ये एक पर्टिकुलर क्राफ्ट या पर्टिकुलर ट्रेड के लोग बनाते हैं जिनका सेम क्राफ्ट हो फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि अगर कोई वीवर है ठीक है तो वीवर्स अगर अपनी कॉटन वीवर है कॉटन वीवर्स अपनी अगर यूनियन बना ले तो इसको क्या कहेंगे क्राफ्ट यूनियन क्योंकि ये सारे एक ही क्राफ्ट से बिलोंग करते हैं दैट इज वीविंग ठीक है उसके बाद अगर कारपेंटर्स हैं जो आपके फर्नीचर वगैरह बनाते हैं अगर ये अपनी यूनियन बना लेते हैं अगेन इट विल बी अ क्राफ्ट यूनियन ठीक है किसी एक पर्टिकुलर क्राफ्ट से रिलेटेड है सिंगर्स हैं सिंगर्स हैं, singers हैं अब बॉलीवुड में इतने सारे सिंगर्स हैं अगर वो अपनी एक यूनियन बना लेते हैं तो उसको भी क्या कहेंगे क्राफ्ट यूनियन तो ये कुछ एग्जांपल्स है क्राफ्ट यूनियन के मतलब कि जो सेम क्राफ्ट या सेम ट्रेड को बिलोंग करते हैं उनकी जो यूनियन होगी वो ऑक्यूपेशनल या क्राफ्ट यूनियन होगी ठीक है अब एक आपका कोई भी सेक्टर है वहां पर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है आपके डिपार्टमेंटल उस एरिया के सारे डिपार्टमेंटल स्टोर अगर एक यूनियन बना लेते हैं तो उसको आप क्या कह दोगे ऑक्यूपेशनल यूनियन क्योंकि वो सारे एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं उनके

लेकिन समय के साथ साथ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो काम में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी ठीक है अब ऐसी यूनियंस जो सिर्फ एक क्राफ्ट से बिलोंग करती थी वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी और इंडस्ट्रियल यूनियंस बनी कैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री होती है आपकी फिल्म इंडस्ट्री ठीक है अब फिल्म इंडस्ट्री में पहले अलग अलग क्राफ्ट यूनियंस हुआ करती थी एक सिंगर की यूनियन हुआ करती थी फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर की हुआ करती थी एक प्रोड्यूसर की लगा लो हो गई एक कैमरामैन वाली यूनियन हो गई एक की यूनियन हो गई एक डांसर्स की हो गई एक फैशन डिजाइनर की हो गई ये अलग अलग क्राफ्ट यूनियंस हैं, लेकिन अब इन्होंने देखा कि भाई हम सिर्फ अगर सिंगर्स अपनी बात सरकार के पास या कहीं पर रखने जाते हैं तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि ट्रेड यूनियन छोटी है तो ये क्या कहेंगे कि हम अपनी इंडस्ट्री की एक यूनियन बना लेते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री की एक कॉमन यूनियन बन गई जिसको आप कहोगे फिल्म इंडस्ट्री यूनियन इसमें सिंगर्स भी होंगे इसमें डायरेक्टर्स भी होंगे इसमें प्रोड्यूसर्स भी होंगे इसमें कैमरा भी होंगे और इसमें सब जो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं वो सारे एक साथ आकर एक कॉमन यूनियन बना लेंगे सिमिलरली अगर कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में वर्कर्स ने भी ज्वाइन कर लिया ठीक है सुपरवाइजर ने भी ज्वाइन कर लिया मैनेजर ने भी ज्वाइन कर लिया सब ने ज्वाइन करके कॉमन यूनियन बना ली तो उसको आप क्या कहोगे इंडस्ट्रियल यूनियन मतलब कि दिफरें डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट जो हैं वो आपस में आकर जुड़ गए और उन्होंने एक अपनी यूनियन बना ली ठीक है तो फोकस एरिया जाहिर सी बात है ब्रॉडर हो जाएगा एज कंपेयर टू क्राफ्ट यूनियन क्योंकि अब ये जो यूनियन होगी ये सिर्फ एक पर्टिकुलर क्राफ्ट के इंटरेस्ट के के ऊपर ध्यान नहीं देगी ये उस इंडस्ट्री सारे के ऊपर ध्यान देगी चाहे वो जिस भी तरह का काम कर रहे हो जो भी उनका काम हो वो सारे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे लोगों के ऊपर ध्यान देगी ठीक है अब इसमें सब आगे चाहे वो स्किल्ड लेबर हो चाहे सेमी स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड लेबर हो तो वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे अब इंडस्ट्रियल यूनियन से ही रिलेटेड एक

इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज ना बच्चों हमारे वेबसाइट के ऊपर है आप जाकर वो प्लीज एक बार एक्सप्लोर जरूर करिएगा ठीक है तो जनरल यूनियंस जो है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर दोनों के लिए होते हैं और ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को ज्वाइन करती है ठीक है डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे देखा इंडस्ट्रियल यूनियन क्या था कि भाई फिल्म इंडस्ट्री ने एक कॉमन यूनियन बना ली अलग अलग जो भी लोग काम कर रहे थे उनकी एक इंडस्ट्री थी लेकिन जनरल यूनियन में क्या होगा अलग अलग इंडस्ट्रीज एक साथ आ जाएंगी स्टील इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री आयरन इंडस्ट्री ठीक है सर्विस इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री जो भी आपके दिमाग में आती है ये सारी इंडस्ट्रीज मिलकर एक यूनियन बना इन सारी इंडस्ट्रीज के इंप्लॉइज मिलकर के एक कॉमन यूनियन बना लेंगे मतलब कि अब जो यूनियन है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से एफिलिएटेड नहीं है किसी एक इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है वो सारा जनरली सारे वर्कर्स और सारे इंप्लॉयिज को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है एक तरह से वो पूरी की पूरी वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये होगा आपका जनरल यूनियन का कंसेप्ट उसके बाद आज का लास्ट कंसेप्ट जो है वो है हमारा ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर यूनियंस इसमें बस अगर आपको ये पता है कि ब्लू कॉलर वर्कर क्या होते हैं और व्हाइट कॉलर वर्कर क्या होते हैं तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो तो ब्लू कॉलर वर्कर आपके कौन होते हैं जो ऑपरेटिव लेवल पर होते हैं जो प्रोडक्शन फ्लोर पे होते हैं जो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ठीक है, है? यानी कि जो आपके अनस्किल्ड लेबर इसमें मेनली आ जाती है जो अनस्किल्ड लेबर होती है ना वो इसमें आ जाती है ठीक है जो लोअर एंड पे सबसे ज्यादा जो फ्लोर लेवल पे जो वर्कर काम कर रहा है वो इसके अंदर आ जाता है हिरारकी में जो सबसे नीचे के लेवल्स होते हैं वो वर्कर्स को यहां पर ब्लू कॉलर में काउंट किया जाता है और ये जो वर्कर्स होते हैं ये पीस रेट या टाइम रेट बेसिस पे काम करते हैं जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा दिहाड़ी मजदूर ठीक है तो ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं एक तरह से जितना ये काम करेंगे हर रोज के इनको पैसे मिलेंगे और या फिर कितनी इन्होंने प्रोडक्शन की कितनी यूनिट्स बनाई उसके हिसाब से उसके बाद दूसरे होते हैं आपके कॉलर ये 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 जो होते 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 हैं ये होते हैं हैं बेसिकली नॉन मैनुअल वर्कर्स लेवल पर सुपरवाइजरी और मैनेजमेंट लेवल पर जो इंप्लॉइज uh, आ जाते हैं उनको व्हाइट कॉलर इंप्लॉयज कहा जाता है और इनको मंथली बेसिस के ऊपर पे किया जाता है इनकी जो जॉब होती है इट इज मोर सिक्योर्ड एज कंपेयर टू द जॉब्स ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स ओके तो अगर कोई यूनियन इन ब्लू कॉलर वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसको कह देंगे ब्लू कॉलर यूनियन और कोई वर्कर अगर इन व्हाइट कॉलर वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही है देन इट विल बी रिगार्डेड एज योर व्हाइट कॉलर यूनियन ठीक है टर्म पूछी जा सकती है ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ब्लू कॉलर में कौन आ रहा है और व्हाइट कॉलर में कौन आ रहा है वॉट इट चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही था अब मिलेंगे रात को रात को आज आपके नेशनल हेल्थ पॉलिसी का पार्ट टू डिस्कस करेंगे आई होप जिन लोगों ने पार्ट वन देखा है उन्होंने जो भी हमने फैक्ट्स और डाटा उसमें डाला था वो सबने याद कर लिया होगा अच्छे से आज और डाटा भी देखेंगे और, और नए कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ तो जुड़े रहिएगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेलाइकन प्रेस करना मत भूलिएगा धन्यवाद